नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद की ज़िंदगी। ज़्यादातर मरीज जिनका एक या दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है वो 4 से 5 दिन के लिए ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रुकते हैं। हम जिस टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें हम स्पाइन में कैथेटर रखते हैं जिससे कि हम पेशेंट का पेन कंट्रोल करते हैं सर्जरी के बाद। इससे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मरीज का दर्द बहुत कम हो जाता है और मरीज कंफर्टेबल रहता है। पहले दिन हम मरीज को कोल्ड पैक्स देते हैं नी में लगाने के लिए, उसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज शुरू कराते हैं जिसमें कि एंकल की एक्सरसाइजेज, काफ की एक्सरसाइजेज या घुटने की एक्सरसाइजेज रहती हैं, और अगर मरीज कंफर्टेबल हैं तो उसको पैर नीचे लटका के बिठाना या खड़ा करना तक हम शुरू कर देते हैं। पहले दिन में पेशेंट का हम मोशन, यूरिन और खाने का खास तौर से ध्यान रखते हैं क्योंकि ऑपरेशन के बाद मरीज अक्सर नॉर्मल डाइट अगर नहीं ले पाता तो हम लिक्विड डाइट पे रखते हैं और हल्का खाना खाने की हिदायत देते हैं। दूसरे दिन हम मरीज की ड्रेसिंग करते हैं, मरीज को बेड से बाहर लेके खड़ा करना, चलाना या वॉकर के सहारे चलना सिखाते हैं जिससे मरीज खुद ही चल के बाथरूम तक भी जा पाए और बाहर कॉरिडोर में वॉकर के सहारे अपने आप चल पाए। तीसरे दिन से हम मरीज को इंडिपेंडेंट एम्बुलेट करना सिखाते हैं जिसमें कि वॉकर के सहारे बेड से बाहर निकलना, घुटने मोड़ना, बैठना, खड़े होना, चलना, बाथरूम जाना, कमोड पे बैठना, खड़े होकर अपने अपने बॉडी पार्ट्स को सफाई करना कैसे है वो सब कुछ सिखाते हैं। इस दिन तक नॉर्मली पेशेंट का खाना, पीना, मोशन, यूरिन सब नॉर्मल हो जाता है। चौथे दिन हम मरीज का जो एपिडुरल कैथेटर या स्पाइन वाला जो कैथेटर होता है वो निकालते हैं। इसके बाद इसकी ज़रूरत भी नहीं रहती क्योंकि मरीज का पेन काफ़ी कम हो गया होता है। चौथे दिन तक अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, पेन काफ़ी कम है या एक घुटने की सर्जरी हुई है तो हम पेशेंट को स्टेयरकेस क्लाइंबिंग या फिर सीढ़ी चढ़ने तक की ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि वो घर जाके खुद से अगर सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत हो तो सीढ़ी भी चढ़ पाए। चौथे दिन तक ऑलमोस्ट सारे ही पेशेंट कंफर्टेबल होते हैं, उनका खाना पीना नॉर्मल हो गया होता है, वॉकर के सहारे उनको खुद चलना आ गया होता है, उनका दर्द काफ़ी कम हो गया होता है, डाइट नॉर्मल हो गई होती है और मोशन यूरिन नॉर्मल हो गया होता है। पाँचवें दिन हम पेशेंट को सुबह में डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज के बाद हम मरीज को 5 दिन बाद आने को कहते हैं जब हम उनकी ड्रेसिंग करते हैं, दवाइयाँ और कम कर देते हैं और तब हम उनका दोबारा से असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट कितना घुटना मोड़ पा रहा है, वॉकर से कितने आराम से चल पा रहा है। इस दौरान अगर मरीज को कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमसे लगातार संपर्क में रहता है और घर से भी हमसे बात कर सकता है। इसके बाद हम मरीज को नॉर्मली 7 दिन बाद बुलाते हैं। 7 दिन बाद हम मरीज को बुला के या तो टाँके निकाल देते हैं उसके सारे या फिर एक ड्रेसिंग चेंज करते हैं और 15 से 18 दिन ऑपरेशन के बाद हम नॉर्मली सारे मरीज के टाँके निकाल देते हैं। अब तक मरीज काफ़ी कंफर्टेबल हो गया होता है, घर में भी उनकी फिजियोथेरेपी चल रही होती है, अपने आप से चलना, बैठना, उठना सब पेशेंट को आ गया होता है। नॉर्मली असिस्टेड फिजियोथेरेपी या सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के बाद 3 हफ्ते तक चलती है, उसके बाद सारे मरीज कंफर्टेबल हो जाते हैं और खुद ही चलने लगते हैं। नॉर्मली 1 महीने के पास तक पहुँचते सारे मरीज बिना वॉकर के ही खुद से घर में अंदर आराम से चलने लग जाते हैं। टाँकों वाली जगह पे कोई ड्रेसिंग नहीं रहती, आराम से चल फिर सकते हैं, टाँके सूख गए होते हैं और डाइट नॉर्मल हो जाती है। 6 हफ्ते के करीब ऑपरेशन से हम मरीज को टो एंकल एक्सरसाइजेस, सिटअप्स, स्टेप अप्स शुरू करवा देते हैं क्योंकि तब तक मरीज का दर्द ऑलमोस्ट बिल्कुल चला गया होता है और मसल्स में काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई होती है। इसके बाद मरीज को कोई जल्दी फॉलोअप करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। इसके बाद मरीज हमको 3-3 महीने पे दिखा सकता है। इसके बाद पेशेंट की लाइफ मोर और लेस नॉर्मल रहती है। कोई भी हम जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो उसमें हम उस तरह का इम्प्लांट डालते हैं जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ करीब 25 इयर्स या मैक्सिमम 30 इयर्स तक रहती है, बट ऑन एन एवरेज नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज ज़्यादातर 17 से 22 साल ऑन एन एवरेज चल जाती हैं और अगर पेशेंट ध्यान रखें तो इससे भी बेहतर रह सकती हैं। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। नी रिप्लेसमेंट के बाद थोड़े दिन ध्यान रखना होता है। कुछ दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स आपकी, हो सकता है शुरू में 5 दिन एंटीबायोटिक चलें या 2 हफ्ते तक आपकी पेन किलर्स चलें, उसके बाद पेन किलर्स भी हम SOS कर देते हैं या जब दर्द हो सिर्फ तभी लेनी पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट के बाद जब तक हम टाँके नहीं निकालते तब तक ड्रेसिंग को गीला नहीं करना होता है। टाँके नॉर्मली हम लोग 15 से 17 दिन के बीच में निकाल देते हैं और हम लोग अपने हर पेशेंट को वाटरप्रूफ ड्रेसिंग देते हैं जब छुट्टी करते हैं पेशेंट की, ताकि अगर गलती से ड्रेसिंग पे या टाँकों पे पानी भी गिर जाए तो भी वो अंदर टाँकों से स्किन तक ना पहुँचे। हम कोशिश करते हैं हमारा हर पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद एक सक्सेसफुल सर्जरी लेके वापस जाए। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट या उससे जुड़े हुए कोई भी डाउट हो तो इस दिखाए हुए फ़ोन नंबर पर मेरे को अपनी रिपोर्ट्स भेजें।
मैं बड़ी खुशी से आपकी सारी क्वेरीज आंसर करूंगा। थैंक यू।